हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, और इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूजीसी नेट पेपर वन जनरल पेपर जो है आपका, उसके एक यूनिट है कम्युनिकेशन, हम इसे कर रहे हैं। दो क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं, ये थर्ड क्लास है आपकी। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो वीडियो होगी वो तीन पार्ट्स में जाएगी, क्योंकि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि कम्युनिकेशन हो तो रहा है, संप्रेषण हो तो रहा है, लेकिन किस बिहाफ पे हो रहा है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल, कि कितने लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, हम उसके बिहाफ पे कम्युनिकेशन को बांटते हैं। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और स्टाइल, कि क्यों हो रहा है कम्युनिकेशन, स्टाइल क्या है, किस तरीके से बातचीत हो रही है, उसके पर्पस पे भी हम कम्युनिकेशन को, बातचीत को दो तरीके से बांट देते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस तरीके से जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, या फिर नंबर ऑफ पीपल, कि लोगों के बीच में रिश्ता क्या है, या फिर कितने लोग बातचीत कर रहे हैं। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, कि किस तरीके का पर्पस है, क्यों बात कर रहे हैं, फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि किस तरीके से बातचीत हो रही है, हॉरिजेंटल वे में हो रही है या फिर आपकी वर्टिकल वे में चल रही है। तो हम आज की वीडियो में करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, या फिर हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल, कि कितने लोग हैं, किनके बीच में बातचीत हो रही है। तो इसमें आपके पास चार तरीके के कम्युनिकेशन हैं जो कि पेपर में आते हैं। तो चार तरीके के कम्युनिकेशन आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। एक है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होता है। अभी हम वन बाय वन सबको इलैबोरेशन में भी देखेंगे। और सेकेंड है आपका इंट्रापर्सनल, ये आपको ध्यान रखना है, एक इंटरपर्सनल है, एक इंट्रापर्सनल है, दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। कई बार होता है इंट्रापर्सनल बोल देते हैं कि इंट्रापर्सनल का एग्जांपल है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा है। थर्ड है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, और फोर्थ है आपका मास कम्युनिकेशन। तो हम करते हैं पहले इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख दूंगी। डायरेक्ट का मतलब होता है दो, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे दो लोग होंगे जो फेस टू फेस बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन को जो है वो रिसीव करेगा और एक बंदा सेंड करेगा। हम हिंदी में बोले तो आदान प्रदान होगा दो लोगों के बीच में। ये मोस्टली फेस टू फेस होता है, मैक्सिमम टाइम फेस टू फेस होता है, और इसमें दो लोग होते हैं हमेशा। इसमें फीडबैक क्या है, तुरंत के तुरंत मिल जाता है। आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपको फीडबैक देगा, आप उसे फीडबैक दोगे। कई बार होता है कि दो से ज़्यादा लोग भी आप को इसमें मिल जाएंगे, लेकिन वो भी हमारा इंटरपर्सनल में ही आएगा। फॉर एग्जांपल, आप सड़क पर जा रहे थे, स्ट्रीट में जा रहे थे, आपने किसी को रोका और आपने पूछा कि वेयर इज द बैंक। अब आप बैंक पूछ रहे हो, तो हो सकता है जिससे आपने पूछा वो आपको बता रहा हो कि यहाँ से आप लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे, वहाँ पर आपको एक बैंक मिल जाएगा, और साथ में एक और पर्सन खड़ा होगा, हो सकता है उसका कोई फ्रेंड हो। तो आप हुए तीन लोग, लेकिन बात सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये आपका इंटरपर्सनल रिलेशन हो, कम्युनिकेशन हो जाता है, जहाँ पे दो लोगों के बीच में बातचीत होती है। फिर आता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है, जब एक इंसान खुद से बात करता है। खुद से बात हम कब करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, कई बार हम कुछ रिकॉल कर रहे होते हैं, खुद को समझा रहे होते हैं। कभी कभी होता है कि हमसे कुछ गलती हो जाती है, पेपर में कुछ छूट जाता है, माइंड में वो चीज़ चलती रहती है, और हम अपने आप से बात करते हैं, माइंड में नहीं, वर्बली भी बात करते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। या फिर कोई मेमोरी होती है, हम सोच रहे हैं, हम कुछ रिकॉल कर रहे हैं, अरे यार यहीं पे तो रखा था, कहाँ चला गया। तो ये सब क्या है, हम खुद से बात कर रहे हैं, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होगा। स्पेलिंग यहाँ पे ध्यान रखना कि इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच की बात हो रही है, इंट्रापर्सनल जब आप खुद से बात कर रहे हो। अब इंट्रापर्सनल में ही एक चीज़ आती है जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको अलग से डिफाइन नहीं किया है, लेकिन इसी के अंदर इसको हम डाल देते हैं। तो यह है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप डिवाइन से बात करते हैं, डिवाइन इन द सेंस गॉड से बात कर रहे हैं, एंसेस्टर्स से बात कर रहे हैं। बहुत बार होता है ना, हम बोलते हैं ये भगवान इस बार ये करवा देना बस, या फिर हम एंसेस्टर्स से बात करते हैं, जो हमारे जो डेड हैं, मतलब कि जो नहीं है, लाइफ में नहीं है, हम उनसे कभी कभी बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिट से बात करते हैं, तो वो क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपर्सनल में आएंगे। और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि अगर आप एंसेस्टर्स से बात करते हो तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, तो वो होगा आपका ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका मास कम्युनिकेशन।
मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप कोई ना कोई एक मीडियम के थ्रू बात कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या है, मतलब कि जो जनता है आपकी बड़ी है। मास कम्युनिकेशन, मास से समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, मतलब कि एक बंदा बोलेगा, एक रिसीवर है मतलब कि बहुत बड़ी ऑडियंस है जो उस मैसेज को सुनेगी, और इन दोनों के बीच में एक मीडिया होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि मास कम्युनिकेशन में मीडिया होती है, क्योंकि आगे एक कम्युनिकेशन होगा जिसमें मीडिया नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, एक मीडिया होती है, और मीडिया क्या हो सकता है, आपका न्यूज़पेपर हो सकता है, आपका रेडियो हो सकता है, आपका टेलीविज़न है, या फिर ऑनलाइन है, ये कोई भी चीज़ है, जो भी मीडिया है यूज़ हो रही है अगर बहुत लार्ज ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, तो वो होगा आपका मास कम्युनिकेशन। कई बार पेपर में आता है कि एक न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा है और वो इतनी ऑडियंस तक पहुंचेगा, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है, ये मास कम्युनिकेशन है या फिर ये पब्लिक कम्युनिकेशन है? तो वो होगा आपका मास कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एक मीडिया का यूज़ किया गया है जो कि आपका न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि मास कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन ये आता है कि मास कम्युनिकेशन में जो मैसेज तैयार किया जाता है, तो उसको ध्यान में, मतलब उसको किस तरीके पर बनाया जाता है मैसेज को। तो एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भी मास कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक बड़े लेवल पे कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो उसका जो मैसेज है वो ऑडियंस को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेबसाइट है या फिर कोई भी एक नया प्रोडक्ट आता है और वो कुछ मास कम्युनिकेशन के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू कुछ दिखाना चाहते हैं, तो वो हमें, मतलब कि ऑडियंस को ध्यान में रखेंगे कि कौन सा एज ग्रुप है ऑडियंस का, मेल है, फीमेल है, कौन सा एज ग्रुप है, या फिर 13 से 16 है, या फिर 16 से 20 है, या फिर कोई भी एज ग्रुप है, कौन सा एज ग्रुप उस चीज़ को ज़्यादा देखेगा, उस चीज़ को ध्यान में रख के वो मैसेज बनाया जाता है। अगर मोदी जी कोई भाषण दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है ये आपको बताना है कि वो किस में आएगा, वो पब्लिक कम्युनिकेशन में आएगा या फिर मास कम्युनिकेशन में आएगा। क्योंकि अगर उन्होंने कोई चीज़ बोली और वो टीवी पर आ रही है, तो वो क्या होगा, वो आपका मास कम्युनिकेशन आ जाएगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है मास कम्युनिकेशन में, ये कि फीडबैक, फीडबैक या तो मास कम्युनिकेशन में होगा ही नहीं या फिर बहुत लेट मिलेगा। जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा, आप उसका कोई रिप्लाई कर रहे हो, तो उसमें टाइम लगेगा, आपको तुरंत के तुरंत फीडबैक नहीं मिल रहा है। या फिर टेलीविज़न में कुछ आया कि आप यहाँ पर डायल कर सकते हो, इसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हो, टाइम लगेगा, इंस्टेंट आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, या फिर फीडबैक आपका अलग होगा। यूट्यूब है, मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इसे अपलोड करूँगी और तब इसे आप सुनोगे, तो ये क्या है, मास कम्युनिकेशन है। मैं एक मीडिया यूज़ कर रही हूँ, मीडिया क्या है, मैं ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ, मैसेज आपको मिलेगा, और वो मैसेज क्या है, आपको जब तक मिलेगा आप उसमें कमेंट करोगे, तब तक जो फीडबैक है वो अलग हो जाएगा, इंस्टेंट फीडबैक नहीं है। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन हमेशा ही किसी ना किसी गोल के लिए होता है, कोई ना कोई एक गोल है जिसके लिए जो 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, ये सब इकट्ठे हो रखे हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रुप कम्युनिकेशन हमेशा ही कैसा होता है, ग्रुप कोहेसिव होता है, मतलब कि यहाँ पे जो लोग हैं एक दूसरे को जानते होते हैं, सोशल लॉफिंग होती है ग्रुप में, कई बार सोशल लॉफिंग हो जाती है, मतलब कि कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होता है ग्रुप में जो काम नहीं करता है। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं कि गोल क्यों होता है। आप क्लास में हो, आपका क्लास में एक ग्रुप बनाते हैं कि ये वाला ग्रुप ये वाला प्रोजेक्ट करेगा। अब आपके पास एक गोल है कि आप 10 बच्चों का जो ग्रुप है वो उस प्रोजेक्ट को करेगा, प्रोजेक्ट करना आपके पास एक गोल है, गोल ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमें पता होता है हमारा मैसेज कौन कौन सुन रहा है। अगर एक ग्रुप बना हुआ है, सीनियर सिटीजन्स का एक ग्रुप बना हुआ है, लोग उसमें बात करें, लोगों को पता है कि उनकी बात कौन कौन सुन रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते होते, क्योंकि ग्रुप क्या है, मास कम्युनिकेशन नहीं है, ग्रुप बहुत छोटा होता है, लिमिटेड नंबर होते हैं, हम गिन सकते हैं, वो होता है हमारा ग्रुप। ग्रुप को ऐसी बॉन्डिंग होती है, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ काम करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, सोशल लॉफिंग हो जाती है। सोशल लॉफिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप में एक इंसान काम नहीं करता है, मतलब कि 4-5 बच्चों का ग्रुप है, टीचर ने बोल दिया आपको असाइनमेंट करना है, लेकिन एक बच्चा उसमें से काम नहीं कर रहा है, उसे ये पता है कि हमें ग्रुप में मार्क्स लगेंगे, पूरा ग्रुप काम करेगा तभी भी उतने मार्क्स लगेंगे, और अगर मैं नहीं करूँगा तभी भी उतने मार्क्स लगेंगे, तो क्या होता है वो अपना काम छोड़ देता है, क्योंकि मार्क्स सबको इक्वल लगने हैं। तो यहाँ पर सोशल लॉफिंग कई बार हो जाती है। सबसे लास्ट है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, एक लार्ज ग्रुप यहाँ पर भी होता है ऑडियंस का, और एक स्पीकर होता है, जैसे हमारे मास कम्युनिकेशन में होते थे, लेकिन यहाँ पर कोई मीडिया या फिर मीडियम नहीं होता है,
मास मीडिया में हमने बात करी थी मास कम्युनिकेशन में कि एक मीडिया होगा, न्यूज़पेपर चैनल हो सकता है या फिर रेडियो हो सकता है, टीवी, ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑडियंस लार्ज होगी, एक स्पीकर भी होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कोई रैली निकलती है, कोई रैली निकल रही है या फिर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, रेलवे की अनाउंसमेंट हो रही है, तो ये सब किस में आएंगे, मास कम्युनिकेशन में आएंगे या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन में आएंगे? तो ये सारे एग्जांपल आएंगे पब्लिक कम्युनिकेशन में, क्योंकि यहाँ पर कोई मीडिया नहीं है और मीडियम यहाँ पर सिर्फ माइक हो सकता है। माइक, क्योंकि माइक इंस्टेंट आपको बता रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अभी करेगा और बाद में बहुत अलग जो ऑडियंस है उसको जाके चीज़ें मिलेंगी। जैसे न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, कुछ छप नहीं रहा है, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। माइक क्या कर रहा है, सिर्फ आपकी आवाज़ को तेज़ कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर सिर्फ माइक हो सकता है, माइक को छोड़ के कोई भी चीज़ आएगी तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। सेंडर और रिसीवर यहाँ पर एक ही जगह होता है, एक क्वालिटी ये भी होती है इसमें। तो आज की वीडियो में हमने करा है फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो कि था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल। पहला है आपका इंटरपर्सनल जो कि दो लोगों के बीच में होता है, इंट्रापर्सनल अकेला बंदा अपने आप से बातें कर रहा होता है, उसके बाद ट्रांसपर्सनल भी इसी में हम ले लेते हैं जब कोई इंसान गॉड से, एंसिस्टर से, इन सब बातें करता है। फिर है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन 5-6 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है, जहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, गोल ओरिएंटेड है, मतलब कि किसी ना किसी उद्देश्य के साथ साथ में आए हैं। मास कम्युनिकेशन है हमारा, जैसे कि मीडिया है, न्यूज़पेपर है, कोई ना कोई मीडियम बीच में ज़रूर होगा। उसके बाद पब्लिक कम्युनिकेशन, जहाँ पे लार्ज ग्रुप होगा, ऑडियंस का स्पीकर भी होगा, यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होगा, माइक हो सकता है, आपकी रैली, कॉन्सर्ट और रेलवे अनाउंसमेंट इन सभी में आ जाएंगे। और अब मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में जब हम करेंगे ऑन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का सेकेंड टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस, जिसमें आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल भी आ जाएगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो शेयर भी कर रहे हैं। निया, बाय बाय।